नमस्कार, मैं हूं अनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। कल हमने बिजली निगम नाथूसरी चौपटा का एक कारनामा आपको दिखाया था, जिसके अंदर एक बिजली का जो ट्रांसफार्मर है उसमें उसको नीचे ज़मीन पर रख के उसमें कनेक्शन कर रखा था। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस हमारी उस खबर के बाद में क्या एक्शन हुआ है। अब ये देख सकते हैं, ये बिजली का वही पोल है और वही ट्रांसफार्मर है जिसको हमारी खबर छपने के बाद यहाँ पर अधिकारी आए और उन्होंने जो ये समस्या इनकी पिछले 10 दिन से बनी हुई थी उस समस्या का समाधान इन्होंने कर दिया है। और यहाँ आप देख सकते हैं पूरा जो पोल है उसके ऊपर इसको ट्रांसफार्मर को रख दिया है और प्रॉपर तरीके से इसकी बिजली सप्लाई भी शुरू कर दी है। तो इस खबर से कितना असर मानते हैं इसके लिए ये जो है ढुगड़ा गांव के कुछ ग्रामीण हैं उनसे हम बात करते हैं। जी, क्या हुआ कल हमारी खबर के बाद में? आपके हमने पहले जो करवाया था उसमें कुछ नहीं हुआ था। उसके बाद जब आपको बुला के यहाँ न्यूज़ निकलवाई थी हमने, उसके न्यूज़ निकलने के बाद 2 घंटे के बाद पूरा विभाग के महकमे पूरे आए थे, SDO साहब आए थे यहाँ खुद। पहले लाइनमैन को भेजा, उसको हमने मना कर दिया कि एक पे हम नहीं लगवाने देंगे। उसके बाद SDO साहब अपना स्टाफ लेके आया था और बोला कि मेरे सामने रखा जाएगा। तो 4 घंटे SDO साहब यहाँ बैठे रहे और उन्होंने अपने सामने रखवा कर यहाँ उसको पूरा करके चले गए। हाँ जी बताइए, आपकी न्यूज़ का ये असर है जिसके कारण ये पोल लगाया गया है और ट्रांसफार्मर नीचे रखा हुआ था। आपने बड़ी मेहनत की है, आपका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। इसी कारण से ये ट्रांसफार्मर लगा है, आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद। दूसरा पोल नहीं लगा, वो दूसरा पोल की भी हमने कह दी कि लगवा देंगे। आपके न्यूज़ का असर है इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं जी। तो बिल्कुल अपनी न्यूज़ खबर का असर यहाँ पर देखने को मिला है। और मैं बता दूं कि ये पिछले 1 महीने से यहाँ पर इनको समस्या थी। पहले 20 दिन तक बिजली का कनेक्शन का जो इनका ये जो ट्रांसफार्मर है वो जला हुआ था। 20 दिन तक तो उनको नया ट्रांसफार्मर नहीं मिला था और 10 दिन से जब इनको ट्रांसफार्मर मिल गया तो उसको नीचे से कनेक्शन कर दिया, उसको ऊपर नहीं टांगा गया था और जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता था। तो इसकी इन्होंने कई बार अधिकारियों से कर्मचारियों से इसकी एक अपील भी की कि इस ट्रांसफार्मर को ऊपर पोल के ऊपर रख दिया जाए, लेकिन वो नहीं रख रहे थे। और कल हमारी जो टीम यहाँ पर पहुँची और उसके बाद में खबर जैसे ही पब्लिश हुई उसके बाद में अधिकारियों ने ये कार्रवाई की है। अगर आप परेशान हैं अपने घर और ऑफिस में आई सीलन से और चाहते हैं अपने ऑफिस को अच्छे से सजाना तो हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम सजाएंगे आपके घर को 3D वॉलपेपर से। जी हाँ, और आपको दिलाएंगे हमेशा के लिए सीलन और पपड़ी से छुटकारा। तो उठाइए अपना फोन और हमें डायल कीजिए नीचे दिए गए नंबर्स पे।